जिन्होंने सोलर नहीं भी लगाए हैं, बिजली के बिल तो उनके भी कम हुए हैं। पिछले 2 सालों में घर घर ही नहीं, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पार्क, सभी जगह LED से रोशन हुए हैं। और गुजरात में 4 करोड़ तो देश में 30 करोड़ LED लगाए गए हैं। देश के छोटे छोटे और पिछड़े आदिवासी इलाके भी अब विकास की राह में बड़े शहरों से पीछे नहीं हैं। ये जगमगाती हुई सड़कें गुजरात के आदिवासी बहुल जिले दाहोद, नवसारी और पंचमहाल के मॉडर्न और स्मार्ट बनने की कहानी कह रहे हैं। ध्यान से देखिए, ठेले में बिकती हुई ये LED सबूत है इस बात का कि नए भारत में बदलाव जन जन तक पहुँच रहा है। दाहोद के लोग भी खुश हैं और मानते हैं कि स्मार्ट शहर की शुरुआत हो चुकी है। 25% जो लाइट बिल नगर पालिका में बचत थी। सौथी बीजी एक मोटी बात है कि जे अमारो मेंटेनेंस माटे जे लाइटो उड़ी जमी ने वरसाद ना पानी में जे लाइटो ने आखी सीरीजो बंद थी जमी, आ बधा प्रॉब्लेमो महदअंशे सोल्व थी गया है। तो इन्वेंटरी पण नहिवत थी गई है। आज LED लाइटो जे लगावी एनाथी घरना लाइट बिल में पण बचत थी छे। उपरांत આ લોકોને ભાઈ જે સ્ટ્રીટ લાઇટના આવવાથી એમને જે અજવાળા જે મળ્યા છે, લોકો સારા લોકો સ્ટ્રીટ લાઇટના અજવાળામાં વાંચન કરતા ને બધું કરતા થયા છે, એ ખરેખર બહુ આનંદની વાત અમે દેખીએ છીએ। તો અમને એમ થાય છે કે મોદી સાહેબની યોજના ખરેખર બહુ ઉચ્ચ કોટીની રહી છે। ઉજાલા જ્યાદા મિલ રહ્યા હૈ और सबसे बड़ा बात है कि अपन पर्यावरण को बचा रहे हैं और जिन लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है वहां तक बिजली जो सेविंग हो रही है वो वहां तक पहुंचाने में अपन कामयाब हो पा रहे हैं। न्यू इंडिया जो मोदी जी का एक सपना है, आज ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है और उसमें भी सबसे अच्छा जो कार्य है वो उजाला योजना है। गांव की स्ट्रीट लाइट से लेके और घरों के बिल में जो काफ़ी ज़्यादा आते थे, मगर LED योजना के बाद में इस प्रकार से स्ट्रीट लाइट और घरों की जो बिल है वो बहुत कम होने लग गए। आज गरीब जो है उसके घर तक भी आज उजाला पहुंचा है, यही उनका जो एक सपना था और वो सपना सिद्ध होता दिख रहा है। जो 60% के रेट पे मिली, जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों को बहुत ही बेनिफिट हुआ। आज 150 रुपये की LED अगर 90 रुपये में मिलती है, 80 रुपये में मिलती है, तो कोई भी आदमी जाके ले आएगा। बात अगर बड़े शहर अहमदाबाद की करें तो यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बचत से लेकर रखरखाव तक LED के फायदे गिनाते नहीं थकता। करीबन 50% पावर सेविंग तो उसी टाइम में हो गया है और विदाउट सेक्रीफाइसिंग द लाइट 1.25 करोड़ जितनी बचत पर मंथ का बिल में अभी है। 2.78 करोड़ यूनिट्स का सेविंग किया है और 16.50 करोड़ रुपया बचा है। ये LED लाइट है उसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। पहले इंसेक्ट्स और सबका अट्रैक्शन वो येलो लाइट में ज़्यादा रहता था। LED लाइट में क्या है कि जिसका फोकस ग्राउंड के ऊपर है, लाइट नीचे ज़मीन पे यानी रास्ते पे ठीक तरह से पड़ती है, तो वो इंसेक्ट्स का भी कंट्रोल हो रहा है और काफ़ी जनता ने सराहना किया है। दक्षिण गुजरात के नवसारी में भी रात की चहल पहल देखते ही बनती है। LED के उजाले ने घरों में बच्चों की पढ़ाई भी जगमगा दी है। अब इन्हें आंखें खराब होने का डर नहीं है। महिलाएं भी बाहर निकलने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। ट्यूबलाइट जो खरी नहीं, प्रकाश थोड़ा समय अंतर पछी झाको थतो जाए अथवा, परंतु LED नो प्रकाश एटलो स्वच्छ, निर्मल अने आंखने पण कोई पण जातनो नुकसान नहीं करे अने बहुत सरस लागे छे। ने LED सिस्टम सरकार जे लाव्या छे ए बहुत सरस अने एक सराहनीय કાર્ય છે સરકારનું। જ્યારે LED લાઇટ આવી ગઈ છે ત્યારે હમ સ્ત્રીઓ પણ બહાર ફરી શકે છે અને તેનો પ્રકાશ પણ બહુ સારો છે। આ એક સરકારની બહુ સારી યોજના છે। પહેલા અમારે ત્યાં પીળા બલ્બ હતા, તે ઘણીવાર 1 કે 2 મહિના ચાલતા હતા અને ઉડી જતા હતા, પણ LED ઉજાલા યોજનાને કારણે અમાર બિલમાં 35-40% જેટલો ઘટાડો થયો છે। અને પહેલાં જે અમારું 1500-1400 જેટલું બિલ આવતું હતું તેમાં સીધો ઘટાડો થઈને 700-800 રૂપિયા મહત્તમ બિલ આવે છે। લોકો કે ઘરોમાં ભી બિલ અબ કમ હો ગયા હે। ભારત જૈસે બડે દેશ મે માત્ર 2 સાલો મે લગભગ 30 કરોડ LED લગ ચુકી હે। શાયદ હી દુનિયા મે એસી તેઝ ગતિ સે કહીં હુઆ હોગા બદલાવ જો ન્યૂ ઇન્ડિયા કે સપને કો સાકાર કરતા નજર આતા હૈ।